सुपर साइक्लोन अम्फान की आहट पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देखने को मिल रही है। मंगलवार रात से ही बंगाल के विभिन्न जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश पड़नी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने चक्रवात से नुकसान पहुंचाने वाले इलाकों को खाली करवाने का काम तेज कर दिया है। मौसम विभाग ने बताया कि सुपर साइक्लोन अम्फान बुधवार को दोपहर या शाम तक सुंदरबन के नजदीक दीघा, पश्चिम बंगाल और हटिया द्वीप समूह बांग्लादेश से टकराएगा। इस दौरान हवा की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा से 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका जताई है। विभाग के अनुसार इस दौरान कच्चे घरों, पुराने पक्के घरों, बिजली व टेलीफोन के खंभों और नारियल के पेड़ों को भी गंभीर क्षति पहुंच सकती है। इसके अलावा कई स्थानों पर रेल और सड़क मार्ग भी प्रभावित होने के आसार बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा साल 2020 का पहला चक्रवात अम्फन सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया है। मौसम की जानकारी देने वाली वेबसाइट के अनुसार पिछले 20 साल में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफानों में यह तूफान सबसे भीषण चक्रवात है। इसके कारण बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों में उथल पुथल मची हुई है और हवा की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। इसके साथ समुद्र में 200 से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदानपुरा के ताजपुर में रहने वाले लोगों ने चक्रवात के मद्देनजर समुद्र के किनारे अस्थाई फेंसिंग की है। बंगाल के खाड़ी में उत्पन्न किसी चक्रवाती तूफान के सुपर साइक्लोन में बदलने की यह दूसरी घटना है। इससे भारी तबाही के आसार हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर रखने की व्यवस्था की गई है। हुगली जिले में भी इसके व्यापक असर की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रशासन और पालिका की तरफ से जर्जर क्षतिग्रस्त या फिर कमजोर मकान, टीन के मकान, खपरेल के मकान में निवास करने वाले लोगों से सुरक्षित जगह जाने का आग्रह किया जा रहा है। तूफान की रफ्तार के अनुमान के आधार पर भारी तबाही भी हो सकती है। रिसड़ा नगर पालिका की तरफ से तूफान से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। मछुआरों को नदी या समुद्र तट पर जाने से रोक लगा दी गई है। लोगों को अपने घरों में सुरक्षित रहने की हिदायत दी गई है। पश्चिम बंगाल से संवाददाता जय चौधरी की रिपोर्ट।
যা আছে রান্না বান্না করে মোটামুটি 11:30টার মধ্যে আগে নিজের জীবনটাকে বাঁচা আজ আর কাল ওখানে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে 11:30টার মধ্যে একদম খালি করে দে ঠিক আছে হ্যাঁ একদম জোর হাত থেকে বলে যাচ্ছে বাবা হ্যাঁ বাজে সে সব নিকাল কে চলে যাও হইপ আজকাল হইপ না ঠিক আছে নিকালা বাজে কে বাদ কই নাই যাই কর হ্যাঁ সব যে দিদি জানেব তুমি চলে যাও আর হ্যাঁ রাখে কাল রাখে উসকো বাদ হইপ আয়েগা ঠিক আছে घर ने ওই যে ঝড়ের জন্য কারা নিয়ে যাচ্ছে প্রশাসনের থেকে নিয়ে যাচ্ছে কেন সমস্যাটা কি ওই যে নদীর জল যদি আসে বাড়ে আমরা থাকব কি আমাদের তো একদম নদীর কোলে যদি জল বাড়ে যদি জলস্থল আগর বাড়ে বুলবুল ঝড়ে আমাদের টালি সব উড়ে যায় আমরা ওদের বাড়ি ছিলি তো সব টালি সব উড়ে গেছে ঘর ভেঙে টালি উড়ে অ্যালবাস্টারে এখনো পাঁচটা ভাঙা আছে এখনো সারা না হয়নি আগের বাড়ির ঝড়ে এখন যদি জল বেড়ে যায় তখন আপনাদের কি সমস্যা হবে আমাদের ঘর দর ভেঙে যাবে কি কি হবে এখন কইতে পারবো মানে আপনারা তো এখন চলে যাচ্ছেন কিন্তু আপনাদের ঘরগুলো যদি ক্ষতি হয় ক্ষতি হলে হবে আর ঘর রইলে আমাদের বেঁচে রইলে ঘর হবে আর আমরা মরে গেলে কি ঘর হবে কি নাম আপনার ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें JBD Banquets lie hai incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden world class catering centrally air conditioned lush green lawns state of the art lighting a perfect venue for wedding launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise